ऑफ वडोदरा। छोटाउदेपुर आपत्ति व्यवस्थापन तंत्र अने एनडीआरएफ नी टीमे 7 पशुपालकों ने नवजीवन आप्यो। छोटाउदेपुर जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ना मार्गदर्शन हेठ भारत सरकार ना गृह विभाग संलग्न नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स वडोदरा तेमज जिला आपत्ति व्यवस्थापन तंत्र ना संयुक्त उपक्रमे छोटाउदेपुर तालुका ना गोंदरिया तळाव में डूबता 7 पशुपालकों ने सुरक्षित बचावी लेवामां आव्या छे। भारे वरसाद थता स्थानिक डेम में पानी की सपाटी वधवाने कारणे तळाव में अचानक पानी वधता 7 पशुपालकों पानीना वहेण में फसाया था। स्थानिकों द्वारा जिला आपत्ति व्यवस्थापन तंत्र ने जाण कराता डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमे छोटाउदेपुर फायर ब्रिगेड टीम ने जाण करी हती। फायर ब्रिगेड की टीम युवराज गोहिलना नेतृत्व में एक्शन मोड में घटनास्थले पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवामां आव्युं हतुं। फायर ब्रिगेड की टीमें 3 पशुपालकों रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित रीते बहार काढ्या हता। परिस्थिति वधु गंभीर बनता एनडीआरएफ की मदद माटे जाण करी हती। कलेक्टर हस्तकना डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आ बनाव की गंभीरता ने ध्यान में लेता पशुपालकों की शोधखोळ और बचाव कामगिरी माटे एनडीआरएफ की मदद मांगी हती। नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स वडोदरा की टीम कवाड़ खाते हाजर थी। श्री सागर कुलहरी नेतृत्व में टीम घटनास्थले पहुंची जाई पानी में फसायेला 7 पशुपालकों सुरक्षित रेस्क्यू कर पानी में बहार काढ़ा था। आ तमाम 7 पशुपालकों ने स्थल पर प्राथमिक सारवार आपवामां आवी हती। गोंदरिया तळाव में पानी प्रवाह वधवाथी फसायेला 7 लोगों ने रेस्क्यू टीमें नवजीवन आप्यो छे। आ संपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण थता निवासी अधिक कलेक्टरे आ एक मोक ड्रील हती तेम जणाव्यु हतु। मोक ड्रील बाद निवासी अधिक कलेक्टर शैलेश गोकलाणी अध्यक्ष पदे डीब्रीफिंग बैठक योजाई हती, जेमा मोक ड्रील में सामेल सर्वे विभागों की सक्रिय अने सोजबूझ भरी कामगिरी ने बिरदावता भविष्य में बनती घटना दरमियान टीम छोटाउदेपुर एक्शन मोड में कामगिरी करीने लोकोनो बचाव करीने अकस्मात के दुर्घटना टाळे ते अंगे गोकलाणीए जणाव्यु हतु। एनडीआरएफ की टीमें स्थानिक लोगों ने बचाव माटे नी प्राथमिक सोजबोछ अने उपलब्ध चीज वस्तुओं थी केवी रीते लोगों ने बचावी शकाय ते अंगे माहिती आपी हती। आ मोक ड्रील में छोटाउदेपुर प्रांत अधिकारी मामलतदार तालुका विकास अधिकारी पुलिस जवान डिजास्टर मैनेजमेंट डीपीओ 108 कर्मचारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी हाजर रही मोक ड्रील ने तरत ज रिस्पोन्स आपी सफल बनावी हती।
જરૂરી 3 જેવા લાગે છે સર જેમને આપણે છોટા મોટી નજીકની જનરલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરે आज हमको ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो गंडेरिया लेक है उसमें कुछ विक्टिम्स जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं। कुछ लोग थे जो वहाँ पे अपनी गाय भैंस चरा रहे थे और आसपास का जो एरिया है उसमें पिछले एक दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो शुरू में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, उन लोगों ने आके यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और कुछ विक्टिम्स को उन्होंने निकाला। उसके बाद में हमारे को जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें यहाँ से DOC से फ़ोन गया था कि वहाँ पे 4 विक्टिम के और भी मिसिंग होने की अभी भी सूचना है। तो हमारे टीम जो कि यहाँ पे कमाट में स्टे कर रही थी उसको जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ से बिना समय गवाए हमारी टीम यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँची और घटनास्थल पर पहुँचने के बाद में हमने हमारी जो बोट्स हैं उनको प्राइम किया तत्काल और उसके बाद में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया। तो जो विक्टिम्स थे वो वहाँ पे फंसे हुए थे, वाटर का जो फ्लो था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था और वाटर जो है वो तेज़ी के साथ में इंक्रीज हो रहा था और विक्टिम्स वहाँ पे जो थे तो वो थोड़े पैनिक हो रखे थे। ऐसी स्थिति में लाजमी है कि कोई भी जब मुसीबत में फंसता है तो वो पैनिक करता है। तो हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ जाके उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाया और वहाँ से उनको सेफ्टी के साथ में सबसे पहले उनको लाइफ जैकेट्स पहना के सिक्योर किया गया। उसके बाद में जो हमारी बोट्स हैं उनके द्वारा उनको लेके आया। एक विक्टिम फिर भी मिसिंग था, वहीं पे उन्होंने बताया कि अभी जस्ट यहाँ पे वो ड्रोनिंग हो गया है। तो हमारे डीप डाइवर्स ने डीप डाइविंग सेट की मदद से और डीप डाइविंग करके उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद में जो फर्दर 108 है उसकी मदद से उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। यही आज का एक मॉक एक्सरसाइज था जो हमारी तरफ से बहुत बढ़िया सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सब। आज रोज बपोरे 11:30 कलाके छोटा उदयपुर अग्निशमन ने तात्कालिक सेवा विभाग ने एक गोंडरिया लेक तड़ाव से तेनी अंदर 8 व्यक्ति फसायेल है वो कॉल मरता तात्कालिक धोरणे स्थल पर आता એટલે મુખ્ય ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલમાંથી અમને કોલ મળેલો હતો અને એને જોતા ફર્સ્ટ ટર્ન આઉટ રિસ્પોન્સ લેતા મેં અને અમારી ફાયરની ટીમે અહીં તાત્કાલિક ધોરણે આવીને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કર્યું. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરતાં અમને સ્થળ પર એવું લાગી રહ્યું કે વરસાદનું વાતાવરણ અને પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે, એને ધ્યાને લેતા મેન પાવરની જરૂર પડી હોવા છતાં મેન પાવરની જરૂરત પડવાથી અમે જે નજીકના ડિઝાસ્ટરના કંટ્રોલ રૂમ ધુપેન સાહેબ અને ડિઝાસ્ટર સ્ટાફનો કોન્ટેક્ટ કરતા એમની ટીમને બોલાવી અમારે સાથ સહકાર આપી એક જે 8 વ્યક્તિ ફસાયેલા હતા એમને અમને મિશન પાર કરેલ છે. ટોટલ 4 વ્યક્તિને ફાયર ટીમ દ્વારા ફર્સ્ટ રેસ્ક્યુ કરી, ડીપ ડ્રાઈવ કરી, રેસ્ક્યુ કરી અને જે તે પ્રાથમિક સાર આપી અને નજીકની છોટા ઉદેપુર રેલફેર હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરેલ છે. એવું એક મોક ડ્રિલનું આયોજન કરેલ હતું. આજરોજ ગોંદરિયા તળાવ તાલુકો છોટા ઉદેપુરમાં ગામ લોકોના મેસેજ મુજબ 7 લોકો ડૂબ્યા હતા. જે મેસેજ મળતા અમારી DEOCની ટીમે તાત્કાલિક ફાયર સ્ટેશન વડોદરાના જે ટીમ મેમ્બર્સને મોકલી આપ્યા હતા અને તેની સાથે મામલતદારશ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારીથી પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ એમને મેસેજ મળતા SDM શ્રી જાતે પહોંચી ગયા હતા અને સ્થિતિને કંટ્રોલમાં લીધી હતી. તો છોટાઉદેપુર ફાયરની ટીમે પહેલાં 4 લોકોને બચાવી લીધા હતા, ત્યાર પછી પાણી ઊંડું લાગતા તેઓના મેસેજ પ્રમાણે NDRFને મેસેજ આપવામાં આવેલો હતો અને NDRFના જવાનો તાત્કાલિક પહોંચી જતા તેઓએ બાકીના લોકોને બચાવી લીધેલા હતા.
અને આ મોક ડ્રિલ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી।